नमस्कार दोस्तों, जनपद सोनभद्र रेणीकूट में इस समय उपस्थित हूं और सौर्य धर्म जागरण यात्रा की यहां पर विधिवत तैयारी की जा रही है। गांधी मैदान में सफाई इस समय चल रही है। हाइड्रा से जो घास जमी थी उसको साफ किया जा रहा है और जो उसके पदाधिकारी हैं विश्व हिंदू परिषद के, बजरंग दल के, मैं उनसे भी जानकारी लेता हूं और जो सौर्य धर्म जागरण यात्रा आ रही है इसके बारे में। सौर्य यात्रा जो आ रही है रेणीकूट में गांधी मैदान में, क्या कार्यक्रम रहेंगे इसके आयोजन के बारे में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जो पदाधिकारीगण हैं मैं उनसे जानकारी लेता हूं। क्या कहना चाहेंगे, जो सौर्य जागरण यात्रा आ रही है बहुत हर्षोल्लास के साथ में रेणीकूट वासी इसका स्वागत करने के लिए आतुर हैं। सफाई व्यवस्था चल रही गांधी मैदान में जी। क्या आयोजन रहेगा, क्या प्रयोजन रहेगा, इसके बारे में आप कुछ बताएं। देखिए, विश्व हिंदू परिषद जो है, विश्व हिंदू परिषद ये जो प्रोग्राम सौर यात्रा का कर रहा है, ये हमारे जो शहीद लोग हैं, जो बलिदानी लोग हैं, उनके याद में ये यात्रा निकाली जा रही है। देखो, शक्ति नगर से शुरू होगी और आप जहाँ पे खड़े हैं इसी गांधी मैदान में उसका सभा होगा और इस सभा में जो है हमको अनुमानित संख्या कम से कम 5 से 10 हज़ार लोगों की है, जिनकी व्यवस्था हम लोगों ने की हुई है। इस यात्रा के बाद हमारी यात्रा आगे बढ़ करके हाथी नाला तक पहुंचेगी। हाथी नाला के बाद सोनभद्र जिले में प्रवेश कर जाएगी और ऐसे विभिन्न जिलों में होते हुए यात्रा चलते चलते 10 अक्टूबर को बनारस में पहुंच करके समाप्त होगी। उसी यात्रा के संदर्भ में हम सभी जो है यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। हमारे जिलाध्यक्ष गोपाल सिंह जी साथ में है, हमारे प्रांत के समरसता प्रमुख जो है राजेश भाई साहब साथ में है, रमाकांत पांडे साहब जी हैं और ये मोनू मिश्रा जी हैं और संदीप शाह जी हैं। ये सारे लोग कंधे से कंधा मिला के इसकी तैयारी कर रहे हैं कि परसों हमारा कार्यक्रम बहुत सफल हो और बहुत बड़े पैमाने पर हो। क्या संतों का आगमन और वरिष्ठ जनों का आगमन भी हो रहा है इस सौर यात्रा? हाँ, इस सौर यात्रा में जो है हमारे कई संत रहेंगे और संत के साथ साथ जो है रेणुकूट समाज के जो सम्मानित लोग हैं, ऐसे 10-12 लोगों की हमने टीम बनाई है, उनको उनके सम्मान के लिए बुलाया जाएगा, वो सब साथ में रहेंगे। के नाम से वह काशी प्रांत की सौर यात्रा ज्वाला देवी मंदिर शक्ति नगर से प्रारंभ होकर 30 सितंबर 2023 दोपहर 12 बजे रेणुकूट की धरती पर उसका आगमन होगा। पूज्य संत समाज उसके साथ रहेगा। रेणुकूट के गांधी मैदान में एक विशाल जनसभा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने उसका आह्वान किया है। बजरंग दल के सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी, विश्व हिंदू परिषद के सभी पदाधिकारी उस यात्रा के लिए जी जान से लगे हुए हैं। अभी हम लोग गांधी मैदान में खड़े हैं, जिस मैदान के अंदर यह यात्रा आने वाली है। पूज्य संतों का मार्गदर्शन मिलेगा और हम अपने पूर्वजों को उस दिन याद करेंगे। शिवाजी और राणा ने इस देश के लिए जो किया है, जो कुर्बानी दी है, उसको हम याद करेंगे और उस दिन अपने संतों का स्वागत करेंगे। जय श्री राम। यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष भी हैं, मैं उनसे भी जानकारी लेना चाहूँगा। सौर्य जागरण यात्रा जो आ रही है जनमानस पर और हमारे जो सनातन धर्मी हैं इनके ऊपर क्या प्रभाव बैठेगा, इसके बारे में आप कुछ बताओ। जो हमारे इतिहासकार रहे हैं, हमारे पूर्वजों की विस्तृत जानकारी न देते हुए जी, इनके ऊपर मुगल काल और जो ब्रिटिश का आधिपत्य रहा भारतवर्ष में, इनकी छाप दिखाई देती है जी। और इनकी छाप की वजह से जो भारतवर्ष के लिए, जो अखंड भारत के लिए जिन्होंने कार्य किया, उनकी गाथाएं कहीं छुप गई हैं और उनके बारे में हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों को कुछ भी जानकारी नहीं है। इस सौर यात्रा की के माध्यम से विश्व हिंदू परिषद अपने उन पूर्वजों के शौर्य के बारे में, उनके कार्यों के बारे में जागृति पैदा करना चाहता है, जिससे हमारी आगे आने वाली पीढ़ी उनके बारे में विस्तार रूप से जान सके कि हमारे पुरखों ने कितनी बलिदान, कितने मेहनत, कितने शौर्य का, कितने पराक्रम का अपना प्रदर्शन किया था हमें हिंदू, हम हिंदुओं को हिंदू बनाए रखने में जी। यह यात्रा शक्ति नगर से 30 तारीख को चलेगी, जो रेणुकूट पहुंचेगी। रेणुकूट से ये होते हुए रावर्ट्सगंज जाएगी और रावर्ट्सगंज से होते हुए लगभग विश्व हिंदू परिषद के 20 जिलों से संपर्क करते हुए यह 10 तारीख को काशी पहुंचेगी। और ऐसे 4 यात्राएं पूरे उत्तर प्रदेश में निकाली जा रही हैं, अवध प्रांत से लेकर के गोरक्ष प्रांत, सभी प्रांतों से वो सारी यात्राएं एक जगह इकट्ठा होंगी काशी में 10 तारीख को। वहां पे एक महासम्मेलन का आयोजन हो रहा है जो कि एक ऐतिहासिक क्षण होगा अपने उत्तर प्रदेश भारतवर्ष के लिए।
बहुत बहुत धन्यवाद। देखिएगा 30 सितंबर को यहाँ पर भव्य जो यात्रा आ रही है उसका अवलोकन आप लोग जरूर करें, उपस्थिति अपनी दर्ज करावें और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। मैं संजय श्रीवास्तव।